annual results summary of the monetary section. Starting with my sincere apologies for the delay. That is only because of the me. मतलब मैं थोड़ा सा लेट हो गया उसमें थोड़ी सी आपकी दुआओं की दरख्वास्त है. माई मदर इज नॉट वेल, शी इज इन हॉस्पिटल एट द मोमेंट. सो बट अगेन फॉर दीज पेरेंट्स, फॉर दीज लिटिल चिल्ड्रन, आई हैड टू बी हेयर. सो बट अगेन मेरे दिल की गहराइयों से जो थोड़ा सा डिले हुआ, आई एम रियली सॉरी. दो तीन चीज़ें जो मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ पेरेंट्स को, और वो इसलिए कहता हूँ कि मेरा एक लंबा सफ़र है एजुकेशन के साथ, इदारों के साथ और तालीम के साथ. उसमें मिसाल के तौर पे आपने यहाँ स्टेज पे भी देखे, ढाई से तीन साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा बोलते साढ़े तीन साल का बच्चा. अपने आप को रिकॉल करें, जब आप इस एज ग्रुप में थे, क्या आप इस स्टेज पे आके खड़े भी हो सकते? कम अज़ कम मैं इस स्टेज पे आके नहीं खड़ा हो सकता. तो सबसे पहले तो जब इन मासूम बच्चों को आप सिर्फ आके यहाँ खड़ा देखें ना, तो इसमें तीन बुनियादी रोल हैं. सबसे पहले माँ बाप का, और खुसूसन माओ का जो घरों में बच्चों के साथ तरबियत करती हैं. फिर उस इदारे का, जिस इदारे के आपने हवाले किया बच्चों को, वो खुसूसन उस उसातदा का, उन टीचर्स का जो कि बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं. तो तीनों के लिए, इदारे के लिए, माँ बाप के लिए और टीचर्स के लिए खुसूसी तालियां, ताकि उनके लिए बड़ी अपेक्षा है. मॉन्टेसरी सेक्शन में जो बच्चा है वो दो ढाई साल से लेके साढ़े पाँच से छः साल के एज होगा. इतने छोटे बच्चे को डिसिप्लिन करना